आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट का चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट ए होम पढ़ेंगे। यह चैप्टर एडोलसेंस की चुनौतियों के बारे में है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह कैसे इन समस्याओं से उबरता है, इसी के बारे में ये सारी कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये स्टोरी, अ हाउस इज नॉट अ होम। अ हाउस इज नॉट ए होम। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। हाई स्कूल का पहला जो साल था वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा, अजीब लगा। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, जूनियर हाई स्कूल में मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर था। विद ऑल द सीनियोरिटी ऑफ द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, और मुझे उच्च स्तर पर होने की जो सभी बढ़त थी, काबिलियत थी, वो मुझे प्राप्त थी। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन, और ऐसे में नए जगह जाकर एकदम नए रूप में नए सिरे से सब कुछ करना मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा। द स्कूल वॉज ट्वाइस बिग एज माई ओल्ड स्कूल। नया स्कूल मेरे पुराने स्कूल से लगभग ट्वाइस दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और जो सबसे बुरी हुई बात तब हुई, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, क्लोजेस्ट होता है सबसे अधिक घनिष्ठ जो मित्र है उनके लिए आया है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। मेरे जो घनिष्ठतम मित्र थे उन्हें अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं बहुत अकेला महसूस करता था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं अपने पुराने अध्यापकों को इतना मिस करता था कि मैं उनसे मिलने वापस जाता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज। वे मुझे स्कूल की जो गतिविधियां हैं उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, यानी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। वे मुझसे कहते थे कि समय रहते ही तुम वहां पर एडजस्ट हो जाओगे, समायोजित हो जाओगे, और संभवतः तुम पुराने स्कूल से भी ज्यादा अपने नए स्कूल को प्यार करने लगोगे। दे मेड मी प्रॉमिस, वे मुझसे वादा भी करते, दैट व्हेन दैट हैपेंड, जब ये सब कुछ हो जाए, यानी मैं अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से ज्यादा प्यार करने लगूं, आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो मैं समय समय पर तब भी वहां पर आता रहूं और उनसे मिलता रहूं। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट देवर सेइंग। जो भी ये वो लोग कहते थे उनके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या मानसिकता थी, मैं उसे समझता था। आई टुक सम कंफर्ट इन इट नंदलेस, फिर भी मैं इसमें कुछ आराम महसूस करता था। वन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे की दोपहर, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों बाद, आई वॉज सिटिंग एट होम एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने भोजन के कक्ष के अंदर टेबल पर बैठा अपना गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। यह फॉल डे मीन्स पतझड़, जैसे पतझड़ में सब पत्ते गिरने लग जाते हैं तो उसे पतझड़ कहते हैं, यहाँ पर फॉल डे कहा है। पतझड़ के दिन बहुत ही क्या थी, ठंड थी, और विंडी डे था, तूफानी दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस, और हमने अपने फायर प्लेस यानी अग्नि वाला स्थान अंगीठी में आग जला रखी थी। एज यूजल, हमेशा की तरह, माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई पेपर्स। मेरी लाल जो धब्बे वाली बिल्ली थी वो मेरे जो भी कागज थे उन पर लेटी हुई थी।
पुरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट्स सेक, और सिर्फ मनोरंजन के खातिर वह मेरा जो पेन था उस पर बार बार प्रहार करती थी। She was never far from me. वह मेरे से ज्यादा दूर नहीं थी। I had rescued her when she was a kitten. जब वह छोटी थी तब मैंने उसे एक बार बचाया था। किटन बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं। And somehow she knew that, और वह किसी प्रकार यह जानती थी कौन बिल्ली। I was the one responsible for giving her the good life. कि मैं उनमें से एक हूँ जो उसे एक अच्छा जीवन देने के लिए जिम्मेदार हूँ। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. मेरी माँ घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए आग में कोयले डाल रही थी। Suddenly, अचानक, I smelled something strange. मुझे कुछ अजीब गंध आई। And then I noticed it. फिर मैंने यह ध्यान दिया। Smoke pouring in through the seams of the ceiling. छत के जो जोड़ है उसमें से धुआं अंदर आ रहा था। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुआं रूम में इतना जल्दी भर गया दैट वी कुड बेयरली सी, हम मुश्किल से ही देख सकते थे। ग्रोपिंग ओवर वे टू द फ्रंट डोर, मुख्य दरवाजे के ओर टटोलते हुए, वी ऑल रेन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड, हम सामने के आंगन की तरफ भागे। By the time we made our way outside, जब हमने बाहर का रास्ता खोज लिया, the whole roof was engulfed in flames, जो पूरी छत है, वो आग की लपटों में घिर गई थी, and it was spreading quickly, और ये बहुत तेजी से फैल रही थी। I ran to the neighbors to call the fire department, मैं अग्निशमन को फोन करने के लिए पड़ोसियों के घर भागा। While I watched my mother run back into the house. उसी समय मैंने देखा कि माँ घर में वापस भागी है। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. मेरी माँ एक छोटा धातु का बना हुआ बक्सा जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा हुआ था दौड़कर बाहर लाई। She dropped the case on the lawn. उन्होंने उस केस को बक्से को बगीचे में रखा and in a crazed state ran back into the house. और पागलों की तरह भागकर दोबारा घर में गई। I knew what she was after. मैं जानता था वो किसके पीछे है। My father had died when I was young. जब मैं छोटा था मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। And I was certain, और मैं निश्चित था that she was not going to let his pictures and letters to go up in the flame. मैं इस बात के लिए निश्चित था कि वह पिताजी की पिक्चर्स इन तस्वीरों और पत्रों को आग के हवाले लपटों के हवाले नहीं करने देने वाली थी। They were the only things, ये सिर्फ वो ही चीजें थी that she had to remember by him, जिनके द्वारा वह उन्हें याद कर सकती थी। Still I screamed at her, फिर भी मैं उनके ऊपर चिल्लाया, मोम नो, माँ नहीं। I was about to run after her, मैं उनके पीछे भागा ही था, when I felt a large hand hold me back, तब मैंने महसूस किया एक बड़े हाथ ने मुझे पकड़ लिया था। It was a fireman, यह आग बुझाने वाला व्यक्ति था। I had not even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने यह ध्यान ही नहीं दिया था कि गली पहले ही आग बुझाने वाले ट्रकों से भर गई थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling. मैं अपने आप को उनकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, चीख रहा था, You do not understand, आप समझते नहीं हो, My mother is in there, मेरी माँ अंदर है। He held on to me while other firefighters ran into the house. उन्होंने मुझे पकड़े रखा और उसी दौरान कुछ जो firefighters हैं यानी आग बुझाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अंदर दौड़े। He knew that I was not acting very logically. वह जानता था कि मैं समझदारी से कार्य नहीं कर रहा हूँ and that if he were to
लेट गो, अगर वह मुझे जाने देता, आई वुड रन, तो मैं भाग जाता। ही वॉज राइट, वह सही था। इट इज ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड, सब ठीक होगा, वे उन्हें ले आएंगे, उसने कहा। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरे चारों तरफ एक कंबल लपेटा। एंड सेट मी डाउन इन अ कार, और मुझे मेरी कार में बिठा दिया। सून आफ्टर, जल्द ही इसके बाद, अ फायरमैन अमर्ज्ड फ्रॉम अवर हाउस विद माय मॉम इन टो, एक आग बुझाने वाला मेरी माँ के पीछे पीछे घर से बाहर आया। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, वह तुरंत ही उन्हें ट्रक के पास ले गया। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उन्हें एक ऑक्सीजन मास्क पहना दिया। आई रेन ओवर एंड हग्ड हर, मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर अर्ज्ड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उन्हें खोने के विचार से ही वो सभी यादें मेरे दिमाग से वैनिश हो गई जब मैंने उनसे कभी आर्ग्यू किया, मतलब बहस की, या फिर उनसे कभी नफरत भी की, घृणा भी की थी। शी इज गोइंग टू बी ओके, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, सेड द फायरमैन, आग बुझाने वाले व्यक्ति ने कहा। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उन्होंने थोड़ा जो धुआं है वो निगल लिया था, यानी उनके अंदर थोड़ा धुआं चला गया था। एंड देन ही रेन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, और फिर आग बुझाने वाले जो व्यक्ति हैं जो माँ को बाहर लेके आए थे वो दौड़कर अंदर गए। उस समय माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, मैं और मेरी माँ वहीं पर स्तंभित हुए बैठे रहे। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, घर को जलते हुए हम बैठे हुए देख रहे थे और मैं यही सोच रहा था कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours later, the fire was finally out. 5 घंटे बाद अंततः आग को बुझा दिया गया। Our house was almost completely burned down. हमारा घर पूर्ण तरह से जल चुका था। But then it struck me, फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, I had not seen my cat. मैंने मेरी बिल्ली को नहीं देखा था। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ थी? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. मुझे यह महसूस किया कि अब वो कहीं नहीं मिल सकती और मैं बहुत ज्यादा डर गया। Then all at once it hit me, फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, the new school, the fire, my cat, नया स्कूल, आग और मेरी बिल्ली। I broke down in tears, मैं फूट फूट कर रोने लगा, and cried, और मैं बहुत रोया, बहुत रोया। I was suffering loss big time, बहुत समय तक मैं इस नुकसान से पीड़ित रहा। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. उस रात आग बुझाने वाले व्यक्तियों ने हमें घर के अंदर वापस नहीं जाने दिया। It was still too dangerous. यह अभी भी बहुत ही dangerous था, खतरनाक था। Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. मृत या जीवित, मैं मेरी बिल्ली के बारे में जाने बिना वहां से जाने का सोच भी नहीं सकता था। Regardless, I had to go. परवाह किए बिना मुझे वहां से जाना पड़ा। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket. जो कपड़े हमने पहन रखे थे और कुछ आग बुझाने वालों के कंबलों के साथ हम अपनी कार में बैठ गए। And made our way to my grandparents' house to spend the night. और वह रात बिताने के लिए हम अपने दादा दादी के घर की तरफ चल दिए। The next day, Monday, अगला दिन सोमवार था, I went to school. मैं स्कूल गया। When the fire broke out, जब आग लगी थी, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. मैं अभी भी वही कपड़े पहना
हुआ था जो कि कपड़े मैं चर्च जाते हुए उस सुबह मैंने पहने थे, लेकिन अब मेरे पास जूते नहीं थे। अब जूते क्यों नहीं थे? आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैंने उनको उतार दिया था जब मैं गृह कार्य कर रहा था, यानी आग लगने से पहले उसने अपने जूते खोल दिए थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। वे भी आग के शिकार हो गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। फिर मुझे मेरी आंटी से टेनिस खेलते समय जो जूते पहने जाते हैं वो जूते बोरो करने पड़े, यानी उधार लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from school? मैं स्कूल से जाने की बजाय घर क्यों नहीं रुक सकता था? My mother would not hear of it. मेरी माँ इसके बारे में नहीं सुनती। But I was totally embarrassed by everything. लेकिन सब कुछ चीजों से मुझे बहुत ही embarrassment फील होता है, अजीब लगता है। यानी उस दिन राइटर के पास ना पहनने को स्कूल यूनिफॉर्म थी, कुछ भी नहीं था, कपड़े भी ढंग के नहीं थे, जूते भी नहीं थे, फिर भी उसको स्कूल जाना पड़ा क्योंकि उसकी मदर ने उसे कहा स्कूल जाना है। द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड। जो कपड़े मैंने पहने थे वो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मेरे पास ना किताबें थी ना गृह कार्य। एंड माई बैक पैक्स वॉज गॉन। बैक पैक्स मीन्स उसका जो बैग है उसके बारे में है कि वो भी जा चुका था, यानी वो भी आग में जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक्स। मेरा पूरा जीवन मेरे बैग में था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। जितना मैं अधिक संभलने की कोशिश करता उतना ही बुरा हो जाता। वाज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं सबसे अलग थलग और बेढंग का व्यक्ति अपने जीवन में बना रहूं? दैट्स वॉट आई फेल्ट लाइक। ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। यदि जीवन इसी प्रकार का होने वाला था तो फिर मैं बड़ा होना, परिवर्तित होना और जीवन को इस तरह से उसका सामना करना मैं नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। मैं बस अपने आप में सिमट कर रह जाना चाहता था और मर जाना चाहता था। आई वॉक्ड अराउंड स्कूल लाइक ए जॉम्बी। जॉम्बी मीन्स एक भाव शून्य व्यक्ति, नीरस सा व्यक्ति, उदास उसको कहते हैं। मैं स्कूल में एक भावशून्य व्यक्ति की तरह घूमता रहा। एवरीथिंग फेल्ट शिरल। सब कुछ मुझे अजीब लग रहा था। एंड आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन। और मुझे बिल्कुल निश्चित नहीं था, मैं निश्चित नहीं था कि क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। जो भी सुरक्षा थी जिसे कि मैं जानता था, जैसे मेरा पुराना स्कूल, मेरे मित्र, मेरा घर और मेरी बिल्ली, ये सभी मुझसे छीन लिए गए थे। When I walked through what used to be my house after school that day, उस दिन स्कूल के बाद जब मैं उस रास्ते से गुजरा जहां पर कि मेरा घर हुआ करता था, I was shocked to see how much damage there was. मैं यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। Whatever had not burnt was destroyed by the water and the chemicals they had used to be put out the fire. जो भी कुछ जलने से बच गया था, जो नष्ट नहीं हुआ था, वह सब कुछ पानी और जो रसायन आग बुझाने में काम लिए जाते हैं उनके द्वारा नष्ट हो गया था। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. मात्र वो चीजें जो कि नष्ट होने से बच गई थी, नष्ट नहीं हुई थी, वो थी फोटो एल्बम, कुछ दस्तावेज और कुछ अन्य व्यक्तिगत सामान थे जिन्हें की मेरी माँ जैसे तैसे बहादुरी से बचा कर ले आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट
एग्ड फॉर हर, लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा हृदय उसके लिए दुख रहा था। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, ग्रीव होता है दुख, दुख मनाने के लिए अब समय नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे तेजी से घर से खींच कर ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए एक स्थान ढूंढना था। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए भी जाना था। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमारे दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े, बिकॉज क्योंकि देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। ना ही हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, ना ही नकद थी, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा पहचान पत्र था जिससे हम बैंक से पैसे निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सभी कुछ धुएं में नष्ट हो गया, यानी कि आग में सब कुछ जल गया। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अ हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उस हफ्ते वह मलबा जिस जो कि हमारा घर हुआ करता था वह लगभग साफ हो चुका था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, यद्यपि हमने पास में ही एक घर किराए पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज, मैं उन्हें मलबा उठाते हुए देखने जाता था, होपिंग दैट इसी आशा के साथ कि माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कहीं पर मेरी बिल्ली मिल जाए। शी वॉज गॉन, वह जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, मैं उसे एक छोटे कोमल बिल्ली के बच्चे के रूप में समझकर सोचता रहता था। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह ही, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, अब राइटर यहाँ अपनी पास्ट की मेमोरीज याद कर रहा है कि जब वह सुबह उठता था, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, जब मैं उसको परेशान करते हुए बिस्तर से उठता, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वह मेरे चिपक जाती, क्लाइंब अप माई रॉब, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती, एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप, और रेंगते हुए मेरी जेब में घुस जाती और वहां पर वह सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत ज्यादा याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, हमेशा यह देखा जाता है कि जो बुरी खबरें हैं वो जल्दी से फैलती है, एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी यह बिल्कुल अलग नहीं था। इसका मतलब है उनके घर की जो घटना थी वो भी तेजी से फैल गई थी। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माय प्लाइट, हाई स्कूल में सभी कोई जिनके साथ अध्यापक भी शामिल थे वे सभी मेरी इस दुर्भाग्य के बारे में जानते थे। आई वॉज एम्बेरेस्ड, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, एज इफ Somehow I were responsible, कि किसी प्रकार मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। What a way to start off at a new school, कि किस प्रकार से एक नए स्कूल में अध्ययन पढ़ाई शुरू की जाए। That was not the kind of attention I was looking for, यह ध्यान का कोई ऐसा प्रकार नहीं था जिसे कि मैं ढूंढ रहा था। इसका मतलब है राइटर यह नहीं चाहता था कि लोग उसकी तरफ दया की दृष्टि से देखे, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई उसके वजह से उसको जाने या पहचाने। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, लोग हमेशा से कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं मेरे लॉकर के पास जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। People were miling around me, asking me to hurry up. लोग मेरे चारों तरफ जल्दी करने को कहते हुए इर्द गिर्द घूम रहे थे। I thought it strange, मुझे ये बहुत अजीब लगा, but in the light of the past few weeks, लेकिन पिछले हफ्तों में जो कुछ हुआ था, nothing would surprise me, मैं किसी भी चीज से आश्चर्यचकित नहीं होता था। It almost seemed, यह लगभग ऐसा प्रतीत होता था, that they were trying to show me into the gym.
कि वे मुझे जिम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। देन आई सा वाई, फिर मैंने देखा कि ये क्यों कर रहे थे। देर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए वहां पर एक बड़ा टेबल लगाया गया था जिस पर सभी आवश्यक वस्तुएं थी। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन, उन सभी ने आपस में पैसे इकट्ठे किए थे। एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स। उन सभी ने मेरे लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है जैसे स्कूल के सामान, किताबें, कॉपियां, सभी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट कपड़े, जीन्स, टॉप और स्वेट सूट रखे थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, यह क्रिसमस के जैसा था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, मैं भावुकता से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, जो लोग मुझसे कभी बात नहीं करते थे, जिनसे कभी मेरी बात नहीं हुई थी, वे सभी आगे आकर अपना परिचय मुझे दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, मुझे उनके घर जाने के लिए सभी प्रकार के निमंत्रण भी प्राप्त हुए। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, उनकी सच्ची जो अभिव्यक्ति थी, चिंता की जो अभिव्यक्ति थी मेरे लिए, उसने वास्तव में मुझे छू लिया, मतलब मुझे भावुक कर दिया। इन दैट इंस्टेंट, उसी पल, आई फाइनली ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, उस समय मैंने अंततः एक राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार यह सोचा कि थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, अब चीजें सही होने जा रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रिबिल्ड इट, मैं अपने घर पर उन्हें घर बनाते हुए देख रहा था, कि इनको मिस्त्रियों को, यहाँ पर देम आया है घर बनाने वाले मिस्त्रियों के लिए। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस समय यह कुछ अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल के अपने दो नए मित्रों के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टेप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, अब मुझे अपनी असुरक्षा की भावनाओं को रोकने के लिए उत्साह मिला। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मेरे चारों ओर जो सभी आश्चर्यजनक लोग थे, उनके सामने भी अपनी भावनाओं को रखने के लिए उत्साह मिला। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट, अब मैं जब बैठा हुआ अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था, वेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, तब मैंने यह महसूस किया कि मेरा जीवन भी इसी प्रकार हो रहा था, यानी उसके जीवन का भी नया निर्माण हो रहा था। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, जब हम मीन्स राइटर और उसके दो मित्र जब वहां पर बैठे हुए उसके नए शयन कक्ष के लिए योजना बना रहे थे, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मैंने मेरे पीछे से आकर किसी को यह कहते हुए सुना, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह आपकी है। वेन आई टर्न्ड अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं यह देखने के लिए मुड़ा कि वह क्या था, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक महिला मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। आई लेप्ट अप, मैं उछल पड़ा एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, और मैंने महिला के हाथों से उसको छीन लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे अपने चिपका लिया। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, और उसके नारंगी जो फर थे उसमें मुंह छुपाकर, सुंदर उसके फरों में मुंह छुपाकर मैं भी रो पड़ा। शी पॉर्ड हैप्पीली, वह बहुत ज्यादा खुश थी। माय फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे मित्र मुझे गले लगा रहे थे, बिल्ली को भी गले लगा रहे थे और
इधर उधर उछल रहे थे. अपारेंटली स्पष्ट रूप से माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर अ माइल्स अवे. मेरी बिल्ली आग से इतना ज्यादा डर गई थी कि वह घर से लगभग एक मील दूर भाग गई थी. हर कॉलर हैड अवर फोन नंबर ऑन इट. उसकी कॉलर पर हमारे फोन नंबर थे. बट अवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड. लेकिन हमारे जो फोन थे वो नष्ट हो गए थे एंड डिसकनेक्टेड, और उनसे कनेक्शन भी कट गया था. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हूज कैट इट वॉज. उस महिला ने उस बिल्ली को रखा और किसकी यह बिल्ली है यह पता लगाने के लिए कठिन परिश्रम किया. Somehow, किसी प्रकार she knew this cat was loved and sorely missed. किसी प्रकार वह यह जानती थी कि यह बिल्ली बहुत ज्यादा प्यार की गई है और कोई इसको बहुत ज्यादा मिस करता है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, जब मैं वहां अपने मित्रों के साथ बैठा था और मेरी बिल्ली मेरे लैप में गोद में बैठी हुई थी मुड़ के एकदम लिपट के, ऑल द ओवरवेलिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डिमिनिश. नुकसान की और दुर्घटना की जितनी भी भावनाएं थी वो मुझे धूमिल होती प्रतीत हो रही थी. यानी कि अब उसे ऐसे थोड़ा महसूस हो रहा था, कुछ अच्छा महसूस हो रहा था. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई लव्ड कैट. तब मैं मेरे जीवन, मेरे नए मित्रों, उस अजनबी की दयालुता और मेरी प्यारी बिल्ली की जो गुरगुराहट थी उसके प्रति बहुत अधिक ग्रेटिट्यूड होता है, कृतज्ञता महसूस कर रहा था. माई कैट वॉज बैक. मेरी बिल्ली वापस आ गई थी एंड सो वॉज आई. मैं भी वापस आ गया था. यहाँ पर मैं भी वापस आ गया था मतलब है लेखक अब अपने दुख से उबर रहा था. अब उसको भी जीवन में कुछ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता महसूस हो रही थी. इसी के साथ यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है. आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा और पसंद भी आया होगा. अगर फिर भी कोई आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.